If you're wondering where am I, I'm at मेट्रो स्टेशन और आज मैं घर जा रहा हूँ. और लेट हूँ अभी क्या कर रहा हूँ? ओह, ये मैं अपना पैर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पानी की बॉटल गिर गई थी, मतलब पानी निकल गया था बैग में से सारा. स्वीट कॉर्न मैडम, बहुत लेट हो चुकी है. ट्रेन शायद मिले ना मिले, पर स्वीट कॉर्न खाना है. देखते हैं ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली ट्रेन मिलेगा, तभी तो घर पहुँचे ना, तभी तो वीडियो का नाम रखा है. पर हाँ, स्वीट कॉर्न अच्छा था. रन रन रन, भाग भाग के चल चल के मेट्रो, सॉरी, ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे. अभी वो फर्स्ट 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 चल रहे हैं. ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ गया. सीट भी सही था पर विंडो साइड में नहीं था. फिर कन्विंस कर लिया था बाद में एक आंटी जी को बोल के कि मुझको विंडो साइड पे आने दो. मिल गया था मुझको विंडो साइड पे आने को. लोग काफ़ी ऐसे, इन आंटी जी का डब्बा नहीं खुला था भाई, 1 घंटे तक नहीं खुला था उनका डब्बा. उनके बच्चे को पास्ता नहीं मिला था काफ़ी देर तक. अच्छे लोग बैठे थे, अच्छे थे मतलब इस बार लोग, ऐसे डब्बे में कोई क्रीपी लोग नहीं थे, सो दैट्स फाइन आई गेस. भक्ति, दैट्स द मेन थिंग गाइज, यू शुड वेट एंड वॉच दीज लेडीज डांस. ये आंटी जी लोग अभी डांस करेंगे, डांस डांस डांस. ये लोग वो ऐसे श्याम बाबा की भक्ति कर रहे थे. वो ऊपर जो अंकल जी आराम से लेटे हुए हैं वो सो रहे थे. फिर इन लोगों ने गाना शुरू किया और अंकल जी इरिटेट हो गए. अंकल जी उठ के जाएंगे, अंकल सी अंकल जी उठ के जा रहे हैं. अंकल जी बहुत परेशान हो गए थे. साइड वाली बर्थ वाले अंकल जी काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी पैशनेट लग रहे थे वो श्याम बाबा को लेके. ये पूरा डब्बा काफ़ी पैशनेट लग रहा था श्याम बाबा को लेके. तो इन लोगों ने काफ़ी ऐसे महफिल जमा रखी थी. अभी ये लोग डांस वांस भी करेंगे. मतलब आंटी जी लोगों में काफ़ी एंथुजियाज्म था, अंकल जी लोगों में भी. तो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था. मैं कभी गाने सुन रहा था, कभी मैं इनका देख रहा था. ऐसे पूरा जर्नी रिकॉर्ड नहीं किया पर मोस्टली. हाँ, बढ़िया. ये भी चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं तो मैंने सोचा ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या ही जा रहा है. और फिर ये लोग डांस वांस भी दे रहे हैं तो नाइस, इट्स नाइस, इट वॉज फन. ऊपर लड़की बैठी है, शी वॉज क्यूट, शी वॉज सेइंग हाय टू मी आफ्टर दैट. आंटी जी, ये आंटी जी भाई बहुत डांस कर रही थी. ये लोग मेरे बाद तक थे. आसपास वाले डब्बों में भी सब में यही चल रहा था, ऐसी बात नहीं. मेरा कोई डब्बा स्पेशल था उस दिन, कुछ था श्याम बाबा का स्पेशल. फिर मैंने सोचा चलो बाहर दिखा देते होते, ऐसे होता है ना ट्रैवल व्लॉग्स में, सुंदर सुंदर चीज़ें तो है नहीं, कैमरे क्वालिटी होती तो ये चीज़ें हरी दिख रही होती हैं. अभी थोड़ी सी ऐसे फेडेड हरा दिख रहा है. पर हाँ, मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड तो कर लेते होते हैं, इट्स नाइस. घर आ गया, घर आ गया, शाम होगी पर घर आ गया. अच्छा लगता है जब यहाँ आके ऐसे उतर जाते ना. पहले तो थोड़ी सी देर के लिए रुकती है ट्रेन. मैं अपने शूज़ और ये ऐसे ऐसे क्यों दिखा रहे हो? मैंने ऐसे सोचा था कि ट्रैवल व्लॉग्स में ऐसे ही करते हैं लोग, फिर एकदम से ऊपर का शॉट ले लेते हैं. और उस बैग में कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था. मतलब कुछ कुछ है, ज़्यादा नहीं है. पर फिर मैंने सोचा अच्छा सा फील आएगा थोड़ा सा. चैनल बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब करो उसको ज़रूर, जल्दी से जल्दी अभी. मुझको तो मार्केटिंग करनी भी नहीं आ रही है. बट सी, वन डे आई विल बी गुड एट इट. मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको समझ नहीं आ रहा. मैं अपने, और मैं रुक के देख रहा था कि पिकाचू किधर है. पिकाचू 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 वेयर आर यू? देयर ही इज़. ही डजंट नो दैट आई वॉज शूटिंग. देन आई टोल्ड हिम, नाउ ही इज़ ऑल ऑकवर्ड, ही इज़ गोना टेक अस होम. ऑकवर्ड अडोरेबल, इज लाइक चले. उनका यस. And then we were like drun 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 drun, yeah. हमारी स्कूटी भी. घर जा रहे हैं घर. यहाँ पे यार काफ़ी टाइम के बाद वापस आते हैं ना तो हमेशा ऐसा लगता है कुछ तो बदल गया है. पर फिर थोड़े टाइम रहते हैं तो कुछ नहीं बदला होता, नॉर्मल ही होता है. हम ही थोड़े से ऐसे हो जाते हैं अलग से.
घर आ गया घर, बच्चों को हाय बोला मैंने, फिर मैं ऊपर चल गया फटफट। नीचे देखा कितनी रोशनी थी, ऊपर देखना इनको बिल बचाना है सारा, ऊपर अंधेरा कैसे करके रखा, ऊपर मिलेगी थोड़ी बहुत रोशनी। मम्मी ये गले गले मिला मैं मम्मी से, फिर वो भी थोड़ी ऐसे शाय हो गई थी। इनका प्रॉपर घर का इंट्रोडक्शन मिलेगा आप लोगों को, ये लोग भी आएंगे ऐसे घर रूम रूम। यार छत पे शूट तो करने आ गया मैं, वैसे मैं शूट करने नहीं आया हूँ, छत पे शूट करना तो शुरू कर दिया मैंने, पर लाइट तो है ही नहीं, मतलब लाइट मुझको दिख रही है क्योंकि चांद पास है यहाँ से, दिल्ली वाली सबसे चांद पास मिलता। सी अभी मेरे को वो घर में ये भी दिख रहा है कि वहाँ पे बाइक खड़ी है, आप लोगों को दिख पा रहा है? हाँ जूम ऐसे फोकस करने के बाद दिख रहा है क्योंकि बैक कैमरा से शूट हो रही है, पर आई डोंट सी दैट। आई वॉज जस्ट हैप्पी, मतलब छत पे आके, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग चांद पास है, आसमान को हाई बोल सकते हैं। दिल्ली वाले घर में छत थोड़ा नीचे है, थोड़ा इससे काफ़ी नीचे है, और यहाँ पे छत ऊपर है, और यहाँ से आसमान पास है, तो मैं आसमान को हाय बोलने के लिए आया था, फिर मैं आप लोगों को भी लेके आ गया हूँ। सो यप आई एम होम, एंड किसको होम बोल सकते हैं ना, वो भी नहीं कह सकते होते। कभी कभी दिल्ली होम लगता है, कभी कभी यहाँ लगता है। डार्स ट्विंकली ट्विंकली स्टार्स दिख रहे ना कुछ कुछ तो, या फोन का क्वालिटी ऐसे ही है। इट्स ओके इट्स ओके, कंटेंट का क्वालिटी थोड़ी ऐसे ही है। बाय बाय। छोरी बड़ी ड्रामा।